मैं हूं अंसार, झारखंड न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं टाटी सिल्वे यप ग्राउंड में मैं मौजूद हूं। और आज जो रैली निकाला जा रहा है, कल जो प्रोग्राम है जयराम महतो का, चूँकि ये लगातार 1.5 वर्षों से जो है खतियानी संघर्ष समिति के द्वारा ये लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका एक ही मांग है कि 1932 खतियान झारखंड नियोजन नीति को लेकर ये लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे झारखंड में। आइए हम मिलते हैं, कुछ युवा साथी हैं उन लोगों से हम बात करते हैं, चूँकि जब से जयराम महतो जो है कि लड़ाई का उलगुलान किए हैं उस वक्त से जो है उनके जो संगठन है पूरे रांची जिला नहीं बल्कि पूरे झारखंड में छा गए हैं। और उन युवाओं से हम बात करते हैं जिसके अंदर जोश और जुनून है, जो खतियान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं और क्या कल का प्रोग्राम को लेकर बताएंगे। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम हेमंत कुमार महतो हुआ। कल की तैयारी को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने किया है और किस तरह से जो है कि लोगों का आप लोग स्वागत करेंगे और कितने लोगों की संख्या में यहाँ कितने तादाद होंगे इस प्रोग्राम कार्यक्रम में? देखिए, कल की तैयारी के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हमारे महिलाओं और बुजुर्ग इतने लोग यहाँ पे जागरूक हो गए हैं कि कल देखिएगा, क्योंकि रांची राजधानी है, यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं होगा। ये जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये झारखंड हित के लिए है, और ये लगातार जो है कि जैसा कि आप लोगों ने कहा कि 2.5 साल से ये लगातार जो है कि ये लड़ाई लड़ रही है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये लोगों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? 1932 ही खतियान या और भी कुछ मामला है, और आज जो है कि JBKSS के नाम से जो है कि टाइगर जो है आज अपना टीम भी बना लिए हैं, हमको लगता है कि इनका विस्तार भी हो चुका है, और इस तरह से ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इनका जो मूल उद्देश्य क्या है उनको आप बताएं थोड़ा सा। देखिए, टाइगर दादा एक नाम नहीं है, एक विचार है। टाइगर जयराम महतो एक विचार है जो कि पूरा झारखंड अमल कर चुका है। यहाँ पे जो युवा वर्ग हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी झारखंडी हैं, सभी कोई शोषित वंचित होने के चलते ये सब जो इनका जो विचार है, विचार क्या है कि झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू किया जाए, यहाँ पे विस्थापन नीति और उद्योग नीति यहाँ पे सरकार बनाया जाए। लेकिन आप देखेंगे विगत 23 वर्षों से यहाँ पे विभिन्न सरकार ने यहाँ राज किया, लेकिन किन्हीं ने झारखंडी हित के लिए कोई बात नहीं करता है। सभी कोई अपने रोटी सेकते हैं और समेटने के बाद चले जाते हैं, फिर चुनाव आता है, फिर घोषणा करते हैं, उसके बाद फिर चुनाव खत्म होने के बाद फिर वही दुनिया में चले जाते हैं। देखिए, ये इनका कहना है कि झारखंड जब अलग राज्य हुआ, जब झारखंड का निर्माण किया गया था, इसी उद्देश्य से किया गया था कि जब झारखंड अलग राज्य होगा तो हम लोगों का उन्नति होगा, हमारा झारखंड विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन आज भी ऐसे जो शहीद वीर जो है आज गुजर गए दुनिया से, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ा था उन लोगों ने, लेकिन आज भी देखने को मिलता है कि झारखंड वासियों को उनका हक और अधिकार नहीं मिला है। और भी युवा साथी हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। 1932 नियोजन नीति, ये जो झारखंड के लिए जो टाइगर जयराम जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा नाम तो इजहार अंसारी हुआ, और आप देख रहे हैं जैसे कि बदलाव संकल्प सभा जो है इसको हम लोग बहुत जोर शोर से लगे हैं, और आप मीडिया बंधु के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ का स्थानीय नीति रहने स्थानीय हम लोग है, और आज हम लोग को ना तो नौकरी मिल रहा है ना किसी प्रकार का कोई सुविधा मिल रहा है, उल्टा बाहरी लोग आके हमारे यहाँ कब्जा करके बहुत तरह से जैसे ज़मीन जगह लेके, और हम ही लोग को वहाँ मतलब मजदूरी करना पड़ रहा है, जिसके चलते हम लोग जयराम दादा का ये साथ दे रहे हैं, और हम लोग खतियानी नीति लागू करने के लिए भाषा को लागू करेंगे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, देखिए, इन्होंने कहा कि जो अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू हो रहा है रैली, जितने भी साथी आए हुए हैं क्रांतिकारी साथी, सभी को गुजारिश है कतारबद्ध होकर चलेंगे, ठीक है?